इंडियन आइडल सीजन 9 अपने आखिरी चरम पे है और फिनाले से पहले इंदौर में हुआ प्री फिनाले कॉन्सर्ट। इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट रेवांत, खुदाबख्श और रोहित ने इंदौर को झूमने पर मजबूर कर दिया। एलबी रेवांत, जो कि शो जीतने का लक्ष्य रखते हैं, उन्होंने गाया लक्ष्य फिल्म का टाइटल ट्रैक। वेल, शो के होस्ट पारितोष गए गर्ल्स के पास, जहां उन्होंने कहा कि यहां ऐसी लड़कियां हैं जो कि रेवांत से शादी करने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक लड़की चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि रेवांत आई लव यू। पारितोष ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी का वादा नहीं कर सकता, लेकिन आप रेवांत के साथ डांस जरूर कर सकती हो। रेवांत के साथ कई गर्ल्स आईं, छोटी बच्चियां भी आईं और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल पे लगाए जोरदार ठुमके। एक प्यारी छोटी लड़की ने भी कहा, ईस्ट और वेस्ट रेवांत भैया इज द बेस्ट। फिर आए रोहित, जिन्होंने गाया सपनों से भरे नैना, तो नींद है ना चैना। गाने के अंत में रोहित के एक फैन ने कहा कि आपने चलत मुसाफिर बहुत ही सुर में गाया था, आप प्लीज एक बार फिर से गा दीजिए। रोहित ने स्टेज से उतरकर ऑडियंस के बीच में गाना गाया और सभी मस्त हो गए। फिर आए सीजन के शाय बॉय खुदाबख्श, और इन्होंने खुदा को याद करके गाया मौला मेरे ले ले मेरी जान। गाने के बाद एक लड़की ने पूछा कि आप बताओ, आप जो ये शर्माते हैं, क्या सच में आपको इतनी शर्म आती है या आप एक्टिंग करते हैं, क्योंकि हर सुपरस्टार आप ही को छेड़ता है। करण वाही ने तुरंत कहा, यकीन नहीं होता तो आ जाओ। खुदाबख्श के पास लड़कियां आईं और वो ऐसे भागे जैसे कि उन्होंने कुछ डरावना देख लिया हो। वेल, इसके बाद लड़कियों ने खुदाबख्श के गाल भी पकड़े। सोनू निगम ने ये देख के कहा कि आप खुदाबख्श को डांस में चैलेंज कर सकती हो क्या। सोनू निगम ने फिर कहा कि अगर खुदाबख्श अपने पंजाबी अवतार पे आ गया तो सबको हिला देगा। सोनू के कहने पर खुदाबख्श ने भांगड़ा करना शुरू कर दिया और सच में इनके मूव्स और इनकी एनर्जी के आगे लड़कियां मैच ही नहीं कर पाईं। आखिर में सोनू निगम ने बिजूरिया गा के इन सभी को खुश कर दिया। अब फिनाले नजदीक है, देखते हैं कि कौन बनेगा देश की आवाज़, कौन होगा इंडियन आइडल।